हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फोर्डिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलेक्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसी एंटिटी जो अपने अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी हम उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करा सकते हो, स्टोर करा सकते। अगर आपने क्लास टेंथ में एरे पढ़ा होगा तो एरे भी आपका एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसमें भी आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं। तो इस वीडियो में आज हम स्पेसिफिकली स्टैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैक क्या होता है, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एंड आपके बोर्ड्स में स्टैक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है, उन सब के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रियल लाइफ में अगर आप स्टैक का मतलब जाने तो उसका मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीजों को एक साथ एक के ऊपर एक अलाइन कर देते हैं तो वो हमारा एक स्टैक फॉर्म कर लेता है। जैसे कि आपने प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, तो जब आप प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं तो वो भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक अलाइंड होते हैं, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, स्टैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अगर आपने बहुत सारी मोटी बुक्स को एक के ऊपर एक रख दिया है तो वो आपका बुक्स का क्या हो गया, स्टैक। स्टैक हमारा कंप्यूटर में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एरे की तरह ये भी हमारी वैल्यूज को लीनियरली स्टोर करता है। ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स इसमें सबसे आखिरी में जो भी वैल्यू आई होगी, इंसर्ट हुई होगी, सबसे पहले वही बाहर जाएगी। यही होता है हमारा लीफो प्रिंसिपल। अब स्टैक का ना हमारे सिर्फ एक ही एंड होता है। जैसे एरे में आप वैल्यूज को किसी भी एंड से कहीं से भी इंसर्शन डिलीशन परफॉर्म कर सकते थे, स्टैक में आपको लिमिटेशन होती है। स्टैक भी हमारा एक एरे ही होता है। एरे में हम कुछ चेंजेस करते हैं ताकि वो स्टैक की तरह बिहेव करे। तो स्टैक में हमारे सिर्फ एक ही एंड होता है जो टॉप है, यानी हम ऊपर से ही इंसर्शन करा सकते हैं, ऊपर से ही डिलीशन करा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टैक के बारे में। अब स्टैक में हम तीन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है हमारा पुश ऑपरेशन, यानी जब हमें स्टैक में कोई वैल्यू को इंसर्ट करना होता है उसे हम पुश ऑपरेशन कहते हैं। जब हमें वैल्यू को स्टैक से बाहर निकालनी होती है, डिलीट करनी होती है, उसे हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। अब अगर हमें देखना है स्टैक में कि सबसे ऊपर क्या है, तो उसे हम पीक कहते हैं। पीक मतलब जब हम ऊपर से झांक के सिर्फ देख के चले जाना। तो स्टैक में जब हमें देखना है कि सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट में क्या है, उसी को ही हम पीक ऑपरेशन भी। सबसे पहला हमारा होता है पुश ऑपरेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टैक है, ठीक है, और हमारा टॉप इस जगह पर। जब भी हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हो अपने स्टैक में, तब हमें एक चीज अपने ध्यान रखनी है कि कहीं हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। अगर हमारा स्टैक फुल है, यानी एकदम भरा हुआ है, तो स्टैक की कौन सी सिचुएशन आ गई, ये स्टैक ओवरफ्लो की सिचुएशन आ गई। अगर आप किसी फुल स्टैक में कुछ अपने वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे तो आपको एरर देगा स्टैक ओवरफ्लो। आपने इस वेबसाइट का भी नाम सुना होगा, स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो का मतलब यही होता है कि स्टैक हमारा फुल है, आप उसमें कोई भी वैल्यू को इंसर्ट अभी नहीं करा सकते। मान लेते हैं अब अगर ये सिचुएशन नहीं है, तब हम कब इंसर्ट करा सकते, तब हम तब इंसर्ट करा सकते हैं जब हमारे स्टैक में कुछ वैल्यू खाली हो, यानी एकदम हमारा टॉप फुल पे ना हो। तो ये हो गया हमारे स्टैक की ओवरफ्लो की सिचुएशन, ठीक। अब मान लो हमें स्टैक में ओवरफ्लो नहीं है, हमारे स्टैक पूरा फुल नहीं है, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें ये करना होता है, आपका टॉप इस जगह होगा जब आपके स्टैक में इतने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टॉप को ऊपर लेके जाना है जहां आपको वैल्यू इंसर्ट करानी, देन उस जगह पर उस वैल्यू को क्या करा देना, इंसर्ट करा देना। ये काम करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ओवरफ्लो तो नहीं है। अगर नहीं है तो टॉप को एक बढ़ाएंगे एंड उस इंडेक्स पे जाकर क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे। तो इसका जो फंक्शन होता है, इसे परफॉर्म कैसे करेंगे कोड में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे void push, ये हमारे फंक्शन का नाम होता है। अब आपको जो भी वैल्यू पुश करानी, वो वैल्यू आप इस फंक्शन में पास करेंगे। उससे पहले आप चेक करेंगे कि आपका जो टॉप है क्या वो सबसे टॉप मोस्ट में है कि नहीं है, यानी वो फुल तो नहीं है। साइज माइनस वन, साइज माइनस वन का मतलब है जैसे ये हमारे इस स्टैक का साइज है 4, तो क्या टॉप आपका थर्ड इंडेक्स पर है, दैट मीन्स आपका स्टैक फुल है, आप उसमें पुश नहीं करा सकते। अगर ये सिचुएशन है तो क्या प्रिंट होता है कि आपका स्टैक क्या है, ओवरफ्लो। अब अगर ओवरफ्लो नहीं है तब हम क्या कराएंगे, तब हम जैसे मैंने आपको बताया, हमको सबसे पहले अपने टॉप को
एक बढ़ाना है, यानी टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। अगर वो टू पे है तो थ्री पे लेके जाएंगे उसे। देन उसके बाद आप इसी इंडेक्स पे, जहां पे टॉप हमारा इंक्रीज होने के बाद पहुंचा है, उस पे अपनी उस वैल्यू वी को क्या करा देंगे, स्टोर कर। एंड हमारा ये फंक्शन तैयार। ये हमारा पुश का फंक्शन है, यानी जब हमें अपने स्टैक में इंसर्शन परफॉर्म करना। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अपने पॉप ऑपरेशन के बारे में। तो जैसे हमने पुश में किया था, तो पॉप में भी हम, अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं तो हम डिलीट भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें एक चीज बहुत ध्यान में रखनी होती है, वो ये कि क्या हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। अगर हमारा स्टैक खाली है तो हम उसमें कोई भी एलिमेंट निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। अब अगर हमारा स्टैक खाली नहीं है, मान लीजिए स्टैक हमारा इतना फिल्ड है, तब हम क्या करेंगे, हमारा टॉप इस जगह पर है तो हमें अपनी वैल्यू को यहाँ पर, इस वाली वैल्यू को हटाना है। लेट्स से हमारा टॉप यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, हमें अपनी सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने टॉप की जो भी वैल्यू को हटाना है, हमें रिटर्न भी करना होगा कि कौन सी वैल्यू को हटा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे, देन अपने टॉप को माइनस यानी नीचे ले आएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा फंक्शन बनेगा इंट पॉप नाम से। अब जो भी वैल्यू हमें पॉप करानी है, वो हमें रिटर्न भी करानी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टॉप माइनस वन है, यानी हम अंडरफ्लो की सिचुएशन तो नहीं है। तो हम प्रिंट कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो, यानी हमारे स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब अगर हमारा स्टैक अंडरफ्लो नहीं कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले एक वेरिएबल इंट वी लेंगे, जिसमें हम अपने उस स्टैक की वैल्यू को, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट की जो भी हमें वैल्यू डिलीट करनी है, उस वैल्यू को उसमें स्टोर कराएंगे। देन अपने टॉप को क्या करेंगे, एक कम कर देंगे एंड इस वैल्यू को अपनी रिटर्न कर देंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन तैयार हुआ, ये हमारा पॉप का फंक्शन तैयार हो गया। एक्चुअली वैल्यू आपकी कभी डिलीट नहीं होती है, वो क्या होता है, आपके टॉप की पोजीशन चेंज हो रही होती है। आपको जो वैल्यू डिलीट करनी है, आपने उसको बता दिया कि मैंने ये वैल्यू डिलीट करी, आपने भेज दी और टॉप को नीचे कर दिया। अब जब वापस से आप इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे अपने पीक ऑपरेशन के बारे में। पीक का मतलब क्या है, जब हम देख के आ जाएं कि हमारे स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट में क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा ये स्टैक है, ठीक, और ये अगर एम्प्टी है, मान लीजिए स्टैक एकदम खाली है और आपका टॉप माइनस वन है, तो क्या आप इसमें देख सकते हैं कि स्टैक में क्या है। तो जब हम पीक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं कर रहा है, यानी उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फिर हम पीक क्या करेंगे, यानी हम देख के क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले, जैसे पॉप में हमने चेक किया था कि वैल्यू हमारी अगर टॉप की माइनस वन है, तो स्टैक अंडरफ्लो हो रहा है। अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को सिर्फ क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो उस टॉप पर, उस टॉप इंडेक्स पर होगी। तो उसके लिए बस थोड़ा सा चेंज हमें करना है, बस हमें लिखना है इंट पीक। ठीक, अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि क्या हमारा टॉप माइनस वन है, यानी क्या अंडरफ्लो की सिचुएशन है। अगर है, तो मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया, स्टैक अंडरफ्लो, कि स्टैक में हमारे कुछ नहीं है। ठीक, अदरवाइज अब मान लेते हैं हमारा स्टैक अंडरफ्लो नहीं है, हमारे स्टैक में वैल्यूज हैं, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट में हमें कैसे मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंट वी नाम से, एंड हमने उसको कौन सी स्टैक की, वो जो टॉप इंडेक्स पे जो वैल्यू है, वो उसमें स्टोर करा, एंड इसी वी को हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। यानी हमारे स्टैक में जो भी वैल्यू लास्ट में होगी, वो हमें ये भी रिटर्न कर देगा। ये आपके हो गए पॉप, पुश एंड पीक ऑपरेशन। अब देख लेते हैं कि हमारा जो मेन क्वेश्चन आता है, वो किस तरीके से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अ क्लास इज डिजाइन टू स्टोर द वैल्यूज इन अ स्टैक विद लिफो, यानी वो उन्हें स्पेसिफाई कर दिया कि आपको स्टैक के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एंड क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास का नाम स्टैक देना है, एंड कुछ मेंबर्स आपको इंस्टेंस वेरिएबल दे रखे हैं जो एज इट इज आपको डिक्लेयर करने हैं। आपको ए, जो भी आपका स्टैक है, वो डिक्लेयर करना है। देन टॉप, यानी आपके टॉप मोस्ट एलिमेंट की जो भी वैल्यू होगी, वो ये स्टॉप आपको पॉइंट करेगा। एंड मैक्स, यानी आपके स्टैक का क्या साइज है। इतनी तीन चीजें आपको करनी है। ठीक, उसके बाद आपका फंक्शन, सबसे पहले आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है, एंड उसमें लिखा है कि कैप की वैल्यू आपको मैक्स को देनी है एंड टॉप को माइनस वन इनिशियलाइज करना है। ठीक, तो इतना काम हम कर लेंगे। उसके बाद वॉइड टेल, टेल क्या कह रहा है कि आपको लास्ट एलिमेंट, जो सबसे स्टैक में आपका सबसे आखिरी एलिमेंट है, उसे डिस्प्ले कराना है। अगर है तो डिस्प्ले कराइए, अदरवाइज स्टैक एम्प्टी बता दीजिए। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा एक तरीके से पीक का फंक्शन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वॉइड।
आपको आपकी ये वैल्यू को आपके स्टैक में क्या कराना है, इंसर्ट कराना है अगर पॉसिबल है तो। मैंने आपको बताया अगर आपका स्टैक फुल है तो आप दिखा दीजिए स्टैक फुल, अदरवाइज अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको आपकी स्टैक की सारी वैल्यूज क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है फ्रॉम टॉप टू। आपसे बोला गया है कि आपको स्टैक क्लास स्पेसिफाई करना है एंड सिर्फ ये फंक्शन बनाने हैं, आपको मेन फंक्शन नहीं बनाना है। तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपनी क्लास को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद जो भी वेरिएबल्स आपको दिए थे हमने लिख लिए, देन हमारा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, हमने कैप की वैल्यू मैक्स को दे दी है एंड देन अपने स्टैक को भी इनिशियलाइज कर दिया, टॉप को भी मैंने -1 कर दिया जैसा मुझसे कहा गया था। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपना एड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एड में क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका स्टैक फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो स्टैक फुल प्रिंट करा दिया, अदरवाइज टॉप की वैल्यू को बढ़ा दिया एंड उसके बाद अपनी उस वैल्यू को उस पोजिशन पे जाके क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया। उसके बाद तो ये हमारा एड फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा है टेल फंक्शन। टेल यानी पीक फंक्शन, हमें देख के आना है कि स्टैक में टॉप मोस्ट क्या एलिमेंट है। तो हमने चेक किया कि क्या हमारा टॉप -1 है, दैट मींस कहीं अंडरफ्लो की सिचुएशन तो नहीं आ रही है, तो हमने चेक किया एंड देखा अगर अंडरफ्लो की सिचुएशन है तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट करे, अदरवाइज हमें अपने उस टॉप मोस्ट एलिमेंट को क्या कराना, बस प्रिंट। तो ये हमारा पीक वाला टेल वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट फंक्शन है हमारा डिस्प्ले का, यानी हमें टॉप से लेके एंड तक की वैल्यूज को डिस्प्ले कराना। मान लीजिए आपके स्टैक में वैल्यूज इस तरीके से स्टोर है, ठीक है, तो आपको इसी सीक्वेंस में दिखाना है 5 4 3 2 1। तो उसके लिए आप टॉप से अपने लूप को स्टार्ट करेंगे एंड देन 0 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो एक एक करके प्रिंट करें। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो बस आपको इतना ही अपने क्वेश्चन में करना होता है, जितने फंक्शन उन्होंने आपसे पूछे आपको वो डिफाइन करने हैं एंड बस। उसके बाद आपको मेन फंक्शन बनाने को नहीं कहा है तो आपको नहीं बनाना। सो आई होप मैंने आपको जो बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।